हर 40 से 48 दिन में हमारा सिस्टम एक चक्र से होकर गुजरता है, जिसमें 3 दिन ऐसे होंगे जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप शरीर को ये छुट्टी देते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको अनुभव और जीवन के बिल्कुल अलग आयामों में ले जा सकता है। अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे कि आज मेरे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है और बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं, अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो। अगर ये जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है, तो उसके लिए भारत में एक दिन तय किया गया है जिसे एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते। वो सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, सूरज डूबने के बाद ही वो एक बार भोजन करते हैं। इसका उद्देश्य है सिस्टम को अपना तालमेल ठीक करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है, इसे थोड़ी छुट्टी दीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एक दिन आप कुछ हल्का ले सकते हैं, शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और जो सिस्टम के संभालने के लिए ज्यादा हल्का है। निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा। हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि ये एक सफाई है। अगर आपका सिस्टम जीवंत नहीं है तो आपको कुछ भी आध्यात्मिक करने की इच्छा नहीं होगी। आप सुस्त महसूस कर रहे हैं। For a meditator, the biggest enemy is sleep. एक ध्यान करने वाले के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नींद है। यहाँ आंखें बंद करके बैठना और पूरी तरह से सतर्क रहना, इसके लिए कुछ और ही चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए अगर वो आंखें बंद करते हैं तो सो जाते हैं। तो यहाँ बंद आंखों के साथ बहुत सतर्क रहते हुए बैठने के लिए शरीर में एक स्तर की जीवंतता की जरूरत होती है। तो इस जीवंतता को पैदा करने के लिए हम इस पर गौर करते हैं कि कैसे खाएं, क्या करें, कितना खाएं, ये सारी चीजें। ये आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन इससे सही किस्म का शरीर तैयार होता है। अभी अगर आपका शरीर बहुत सुस्त महसूस कर रहा है, मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, तो क्या करें, है ना? तो इसे जीवंत और सतर्क रखना और शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे। अभी आपके पैर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, भगवान प्रकट होते हैं, आप क्या मांगेंगे? पैर का दर्द चला जाए, आया ना? आप और क्या मांगेंगे? आप इतना ही मांगेंगे, है ना? क्योंकि शरीर आपके ऊपर इस तरह की ताकत रखता है। जब तक आप इसे एक स्तर की सहजता में नहीं रखते, ये हर दिशा से आप पर हावी रहता है कि नहीं? इसके लिए अपने शरीर को बहुत शुद्ध और स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, वरना शरीर आपके जीवन में हावी हो जाता है, यह आपको कुछ और सोचने ही नहीं देगा। अभी अगर आपके शरीर में कहीं वाकई दर्द शुरू हो जाए, बस आपकी छोटी उंगली में वाकई बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाए, आपकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है, न भगवान में, न आत्मज्ञान में, न ध्यान में, कुछ भी नहीं, आपकी रुचि सिर्फ इसी में है कि नहीं? तो इसमें उस तरह की ताकत है, तो आपको इसे खुश रखना होगा। सिर्फ तभी यह आपको कुछ और करने देगा, वरना यह आपको कुछ नहीं करने देगा। तो उस संदर्भ में बीच बीच में उपवास रखना, शरीर को छुट्टी देना ताकि वो खुद को ठीक कर सके, अपनी जीवंतता वापस ला सके, ना कि भोजन के साथ सुस्त बन जाए, ये महत्वपूर्ण है। उपवास करने के बजाय अगर आप बस एक भोजन और अगले भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल रखते हैं, अगर मैं ये कहता हूं तो आप योग छोड़ देंगे। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए हमेशा। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो कम से कम 5 घंटे का ब्रेक जरूरी है। खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए। भूख लगने से पहले
अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो सिस्टम सुस्त बन जाएगा, ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब मैं कहता हूं जीवंतता, तो मैं बस आपके अभी जागे हुए होने की बात नहीं कर रहा हूं। हम में से हर कोई अभी जीवंतता के एक ही स्तर पर नहीं है। हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, लेकिन हमारे अनुभव का स्तर एक जैसा नहीं है। इस पल मैं अपने भीतर जैसा हूं, उसे मैं दुनिया की किसी भी चीज के साथ नहीं बदलूंगा। अगर आप मुझे पूरी दुनिया दे दें तो भी मैं सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये उससे बहुत बड़ा है और ये हर किसी के लिए संभव है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जरूरी ध्यान और सिस्टम के साथ जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। तो इंसानी जीवंतता अलग अलग स्तरों पर कई अलग अलग आयामों में हो सकती है। यह आपको अनुभव और जीने के बिल्कुल अलग आयामों तक ले जा सकती है। तो शरीर को अच्छी तरह से रखना एक बुनियादी जरूरत है। आपको एक महान एथलीट या ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे बस सहज रखना, ताकि अगर आप यहां बैठते हैं तो आपको हर समय हिलना डुलना ना पड़े। अगर आप यहां बैठे हैं तो अगले कुछ घंटों तक आप बस यूं ही बैठ सकें, एक फटते हुए ब्लैडर या भूख से तड़पते पेट या यहां वहां होते दर्द से परेशान हुए बिना। अगर आप यहां बैठे हैं तो आप आराम से हों। बस इतनी सहजता शरीर में आनी चाहिए।